हेलो क्लास 5th स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 टेम्परेट ग्रासलैंड के यूनिट तो हमने पढ़ा, और तो आज हम इसकी एक्सरसाइज भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो आज हम करने जा रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ वाला हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड। साउथ अमेरिका के ग्रास लैंड को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पैम्पस। द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पैम्पस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कैटल फार्म इन ऑस्ट्रेलियन ग्रास लैंड नोन एज। इसका आंसर आएगा द कैटल फार्म्स इन द ऑस्ट्रेलियन ग्रास लैंड नोन एज द कैटल स्टेशन। द कैटल फार्म इन द ऑस्ट्रेलियन ग्रास लैंड नोन एज द कैटल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द नोमेडिक ट्राइब इन द ग्रास लैंड। द नोमेडिक ट्राइब इन द ग्रास लैंड आर द किर्गिज एंड द हॉटेंटस। द नोमेडिक ट्राइब्स इन द ग्रास लैंड आर द किर्गिज एंड द हॉटेंटस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द ग्रास लैंड। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, शिप रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग आर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द ग्रास लैंड। एक बार फिर से, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, शिप रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग आर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द ग्रास लैंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। व्हाट आर द मेजर मिनरल्स ऑब्टेन इन द वर्ल्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आयरन, कोल, गो आयरन, कोल, गोल्ड एंड डायमंड आर द मेजर मिनरल्स ऑब्टेन इन दी वर्ल्ड्स, ये आपका ब्रीफ क्वेश्चन आंसर। तो आप फिर से एक बार देखिए, फिर से नोट कीजिए आप लोग, ये आपको ये अपने कॉपी पे लिखना है, साफ तरीके से क्लीन लिखना है इन सारे क्वेश्चंस आंसर को। तो उम्मीद है आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। तो इसके साथ हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है, ये डिटेल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।